Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. अब तुम जाओ पुत्र, मुझे अपने इस अवतार की मर्यादा पूर्ण करने दो। किंतु ऐसा क्या है माँ, जिसके कारण आप मुझसे और पिताश्री से दूर रहने के लिए विवश हैं? पुत्री कात्यायनी। जी पिताश्री, आ रही हूँ मैं। जीवन समर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको सांस सांस अर्पित है तुझको माता। स्वामी, क्या कारण है महादेव और देवी पार्वती के इस दुखद वियोग का? अपने पुत्र और अपने पति को छोड़कर इतनी दूर क्यों जाना पड़ा देवी पार्वती को? देवी, जगत पिता और जगत जननी के इस वियोग का एक बहुत बड़ा कारण उत्पन्न हुआ है जो शीघ्र उजागर होगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। कात्यायनी, पुत्री। ओम नमः शिवाय, 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 ओम ब्रह्मदेवाय नमः, 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 ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ॐ ब्रह्मदेवाय नमः, 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 ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेव, महिषासुर का प्रणाम स्वीकार कीजिए। महिषासुर,
मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? वही, वही चाहिए मुझे, जिसके लिए मैं सर्वथा योग्य हूँ। अमरत्व पाने के लिए आतुर हूँ मैं, ब्रह्मदेव, आतुर हूँ। कुछ और मांग लो पुत्र, अमरत्व का वरदान देना तो सृष्टि के नियमों के साथ अन्याय है। नहीं, 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 ब्रह्मदेव, अन्याय तो उन देवताओं ने किया था, इस महिषासुर के साथ घोर अन्याय। जो स्मरण रहता है मुझे सदैव, यमराज के पशु ने एक ही प्रहार से मेरे पिता के जीवन को किया खंडित और उनके स्नेह से किया मुझे वंचित। ब्रह्मदेव, आप उन दुष्टों को मैं भी दूंगा भयंकर दंड, कर दूंगा मैं उन्हें खंड 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 खंड। वो ब्रह्मदेव, आप दीजिए मुझे ऐसा वरदान कोई भी मेरा वध ना कर पाए और मेरी मृत्यु असंभव हो जाए। असंभव हो जाए ब्रह्मदेव, असंभव हो जाए ब्रह्मदेव, असंभव हो जाए ब्रह्मदेव। ये नहीं हो सकता पुत्र। ओ, याद है मुझे, आप देवताओं के विरुद्ध नहीं जा सकते, किंतु प्रभु, मेरे जीवन का तो एक ही उद्देश्य है, देवताओं से प्रतिशोध, देवताओं से प्रतिशोध, देवताओं से प्रतिशोध। यदि आप मुझे अमृतत्व का वरदान नहीं दे सकते तो ठीक है, दे दीजिए मुझे दूसरा वरदान, देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य, पशु, पक्षी या कोई भी अन्य चराचर जीवों के पुरुष मेरा वध न कर सके। स्त्री वो मेरा भला क्या हित कर लेगी, क्योंकि पुरुष की पशुता ही सब पर भारी है। स्त्री क्या है, एकमात्र अबला नारी है जिसे पुरुष अपने वश में करके रख देता है विवश। तो बलहीन नारी से सुरक्षा का वरदान मांगकर मैं क्यों करूं अपना अपमान ब्रह्मदेव। इसीलिए आप मेरी ये इच्छा पूर्ण कर दीजिए, मुझे चराचर जीवों में सभी पुरुषों से सुरक्षित कीजिए। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। धन्यवाद ब्रह्मदेव। कात्यायनी, पुत्री, कात्यायनी गौरी के रूप आई, हर्षित गणेश देख माँ की परछाई, आगामी संकट से चिंतित भी हैं पर माता क्यों प्रकट हुई मूल रूप धर कर। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
माता जाती पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता जाती पार्वती पिता महादेवा। अद्भुत है ये लीला, ऋषि पुत्री कात्यायनी ने आयु में विधि के साथ माँ का ही रूप ले लिया। माँ अवश्य इसी रूप में संसार को किसी महासंकट से मुक्त करवाएंगी, किंतु क्या हो सकता है वो संकट? शीघ्र लौटना चाहते हैं क्या? अरे नहीं नहीं सूर्यदेव, ऐसी कोई बात नहीं है, तो अपनी गति थोड़ी धीमी कीजिए। वैसे ये सभी देवता जा कहाँ रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको, स्वर्ग लोक में हल्दी कुमकुम का उत्सव मनाया जा रहा है और उसमें केवल विवाहित देवियाँ ही भाग ले सकती हैं। कदाचित देवियों ने उत्सव के लिए हल्दी लाने भेजा है देवताओं को, किंतु देवताओं ने तो इसे भवन से अपनी मुक्ति का अवसर मान लिया है। जब तक देवियों का उत्सव होगा, देवता भवन से दूर ही रहेंगे। मुक्ति इसे ही तो कहते हैं, थोड़े समय के लिए ही सही, किंतु हम उसका अनुभव तो कर लें। देवियां अपने पूजा के उत्सव की तैयारियां कर रही हैं, और हम देवताओं को तो वहाँ रहने की अनुमति ही नहीं है। तो हम इस मुक्ति का आनंद तो ले लें देवराज। आप सब लोग भूल रहे हैं क्या, देवियों ने हमें हल्दी लेकर लौटने के लिए कहा था, जो हमें शीघ्र ही करना चाहिए। प्रतीत होता है वरुण देव अपनी पत्नी के पास शीघ्र लौटना चाहते हैं। क्यों वरुण देव? इसका अर्थ है सभी माताएं स्वर्गलोक में अकेली होंगी ना? उनका आमोद प्रमोद तो उचित है, किंतु माताओं को स्वर्गलोक में एकाकी छोड़कर जाना उचित नहीं। यदि वे स्वर्गलोक से दूर चले गए तो माताओं की सुरक्षा का प्रबंध कौन करेगा? इस प्रकार तो यदि कोई संकट आ गया तो देवगण तो समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। सचि, मुझे ज्ञात है कि देवी पार्वती का स्थान रिक्त देखकर आपको दुख पहुंच रहा है। हल्दी कुमकुम के उत्सव की शोभा होती थी देवी पार्वती, उनकी मुस्कुराहट भर से ही मानो जैसे प्रसन्नता के चारों ओर दीपक जगमगा उठे हों। हाँ, और वो देवी पार्वती का यहाँ न रहना सह नहीं पाएंगी, इसीलिए देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती पूजन अपने निवास पर ही कर रही हैं। हम भी नहीं करना चाहते थे, किंतु हल्दी कुमकुम के उत्सव का तिरस्कार भी नहीं किया जा सकता, रीत तो निभानी होगी ना। चलिए देवियों, हम सब पूजा आरंभ करते हैं। सारी स्त्रियां एक ही स्थान पर एकत्रित हैं। अब मनाऊंगा उत्सव। देवियां स्वर्ग लोक में अकेली हैं। अब आएगा आनंद जब इनसे करवाऊंगा नित्य मंद मंद। <laughs>
कितना मधुर स्वर है स्त्रियों का, यही उचित अवसर है। शत्रु आक्रमण कर रहा है। अनुचित हो रहा है देवलोक से दूर। ये क्या हो रहा है? किसका दुस्साहस है ये? सबका ईश, मैं हूं महेश। थक रहा है मेरा क्रोध, अब लूंगा देवताओं से अपना प्रतिशोध, अपना प्रतिशोध लूंगा।
नहीं, मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है जैसे कोई अप्रिय घटना घटित होने वाली हो। व्यक्ति की शक्ति का अहंकार उससे भूल करवा सकता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।